अटल धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर सुभाए मान गुरु सवारी साध संगत जीओ समूह संगत गुरु चरणा दा ध्यान धर के सत्कार सहित गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु पातशाह दीआं बड़ियां रहमतां होईआं जो अज आप समूह संगत आपां सारे रल मिल के इलाका निवासी संगत देशां विदेशां दी संगत दूर नगरां दी दिल्ली दी होर नगरां दी संगत आपां सारिआं ने रल मिल के ये महान पुरब जो मीरी पीरी दे मालक छेवें पातशाह सतगुरु धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज के प्रकाश आगमन पुरब दीआं खुशियां आपां मना रहे हैं। आओ साध संगत जी एकाग्रता हुण बख्शिश करनी है तो मैं बेनती करा हुण महान दीवान इस दरबार विखे सजने ने पर दीवाना तो पहला कुछ कु बेनतियां अत जरूरी ने। साध संगत जी वो सब तो पहला आप जिद्दी भी गुरु की साध संगत आप दूरों नेड़ियों चल के आयो इत्थे छेवें पातशाह मीरी पीरी दे मालक सतगुरां दे जो इस पावन स्थान नाल आप जी दी हिरदी हिरदे दी श्रद्धा ते भावना जुड़ी हुई है उस मुताबक आप इत्थे पहुँचे हो तो आप समूह संगत का जो श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर वालों आप जी दे इस हल्के दे माणयोग मैंबर हैं एग्जैकटिव मैंबर जथेदार सरदार हरभजन सिंह जी मसाणा अते धर्म प्रचार कमेटी के मैंबर जथेदार सरदार तजिंद्रपाल सिंह जी लाडवा इस तरह ही श्रोमणी अकाली दल पी ए सी दे मैंबर अते श्रोमणी अकाली दल दे उगे नेता प्रवक्ता बुलारे आप जी दे इलाके नाल ही संबंध रखते हैं सरदार कवलजीत सिंह जी अजराणा अते बीबी रविंदर कौर जी अजराणा श्रोमणी अकाली दल दे महिंगा महिला विंग दे जो प्रधान ने तिना वल्लों अते कार सेवा वाले महापुरख बाबा शबेक सिंह जी होरां वल्लों आप समूह संगत दा इत्थे आउण ते धन्नवाद कीता जांदा है जी आया आखिया जांदा है। इस दे नाल ही श्रोमणी अकाली दल दे जिला प्रधान
जथेदार सरदार जरनैल सिंह बोडी, सरदार हरजिंदर सिंह सोडी, सरदार तजिंदर सिंह जी मक्कड़ अते गुरद्वारा साहिब पातशाह पातशाही छेवीं दे समूह स्टाफ वालों मैनेजर सरदार अमरिंदर सिंह तंतौड़ी वालों भी अते दास वालों साढ़े संस्थान के हजूरी कथावाचक ज्ञानी गुरपाल सिंह जी होर वालों असे पावन स्थान के हैड रागी ज्ञानी मलिंदर सिंह जी होर वालों अते समूह रागी साहबाना वालों समूह स्टाफ वालों आप संगत को इत्थे आउण ते तहे दिलों जी आया किया जाता है। धन्यवाद है आप संगतां दा जिन्होंने इस पावन प्रकाश आगमन पुरब दे विच जो असां बेनतियां कीतियां उस नूं प्रवान करदे आं पूरी तरह सेवा ते सहयोग कीता ते आप समूह संगतां दे सहयोग दा सदका अते गुरु हरगोबिंद पातशाह मीरी पीरी दे मालक सतगुरां दी मेहर दा सदका आपां ने ये महान जोड़ मेल ते प्रकाश पुरब दीआं जी खुशियां मनाईआं ने। साध संगत जीओ आओ हुण ये जिहड़ी दिल्ली दी नगर दे गुरसिख प्यारियां पतवंतियां वल्लों सतगुरां दे दर ते सेवा लई गई बजुर्ग सरदार अमर सिंह जी उचेचे तौर पर पहुँचे ने तो मैं बेनती करांगा जो उन्होंने ये श्री खंडपट साहिब दीआं ते होर सेवावां निभाईआं ने ये सतगुर के दरों घरों सिरों पाओ की दात उन्होंने दी जानी है तो बजुर्ग सरदार अमर सिंह जी होर अगे मेरी बेनती है कि वह सतगुरों के पावन हजूरी के सन्मुख आन तो साढ़े माण योग एग्जैकटिव मैंबर जथेदार सरदार हरभजन सिंह जी मसाणा वह गुरु घर की बख्शिश जो सिरों पाओ है वह सरदार अमर सिंह जी होर सतगुरों की हजूरी के भेट करे क्योंकि इन्हां बजुर्गां दा इन्हां प्रोग्रामां विच बड़ा सेवा ते सहयोग है जिहड़ी ये वड्डे जोड़ मेल दी बोले सो निहाल श्री अकाल। भाई अमनप्रीत सिंह जी होरां दा परिवार जिन्हां ने यह नवें पड़दियां दी सेवा कराई है, भाई हरविंदरपाल सिंह जी भाई जिन्हां ने चादरां दी सेवा करवाई है वह गुरसिख परिवार भी सतगुरां दी हजूरी विच आउण, भाई हरविंदरपाल सिंह जी भाई अमनप्रीत सिंह जी उन्हां नूं भी जो सेवा करन करके सतगुरां दे दरों घरों सिरों पाओ भेट किया जाना है आओ वह भी सिरों पाओ की दात प्राप्त करन मैं बेनती करां। भाई अमनिंदर सिंह जी पूरी दिल्ली तो आए ने उन्हां नूं भी सिरों पाओ की दात दी जानी है वह भी सतगुरां दे हजूर आउण ते सिरों पाओ दीआं दातां प्राप्त करन। साध संगत जीओ ये महान दीवान जो असां सजाना है अते जो चढ़दी कला टाइम टीवी के डायरैक्टर ने भाई अमृतपाल सिंह जी उन्होंने भी जो साढ़े माण योग जथेदार सरदार हरभजन सिंह जी मसाणा सा श्री अकाल अते सरदार कवलजीत सिंह जी अजराणा मैंबर पी एस सी श्रोमणी अकाली दल वो साध संगत जी सिरों पाओ की दात सतगुरां की हजूरी में बख्शणगे। भाई अमृतपाल सिंह जी चढ़दी कला टाइम टीवी ते होर गुरसिख प्यारे जिन्हां दे असां नाम अनाउंस किए सा श्री अकाल ते साध संगत जीओ बोले सो निहाल सा श्री अकाल। दीवान दी आरंभ होने तो पहला पांच मिनट का समा कार सेवा वाले महापुरख जो इस पावन अस्थान दियां इमारतों की सेवा करवा रहे ने बाबा शबेक सिंह जी ओ आप संगतां नूं नाम जपाणगे। सतनाम वाहे गुरु 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 सत सतनाम वाहे गुरु सतनाम वाहे
साहब की हजूर में बैठ कर अपने सुहास सफल कर रहे हो। गुरु की प्यारी साध संग जी ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब के वर के नाल गुरु हरगोबिंद साहब जी ने गुरु की विडाली अवतार धारिया। माता गंगा जी के कुखों धन धन गुरु अर्जन देव जी की साध संग जी ये बाबा बुढ़ा साहब की कृपा के नाल गुरु हरगोबिंद साहब ने गुरु की विडाली ये अवतार धारिया। सारिया संगतान इलाका निवासी संगतान मैं हाथ जोड़ के निर्मता सहित गुरु पुरब की लख लख बधाई देना हाँ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह। गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी ने अज के पावन पवित्र दिहाड़े धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह जी के घर माता गंगा जी की कुख तो अवतार धारिया। सो अज समूह गुरु किया सिख संगत धन सतगुरु गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी दे प्रेम प्यार सतगुरु जी दे सत्कार दे विच जुड़ के गुरु साहब जी दे पावन पवित्र चरण छो प्राप्त स्थान गुरद्वारा साहब पातशाही छेवीं विखे बड़े ही प्रेम दे नाल सतगुरु जी दे प्रकाश पुरब मना के गुरु घर दीयां खुशियां प्राप्त संगतां कर रही ने। सो आप समूह संगतां नूं गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी दे प्रकाश पुरब दीयां लख लख वधाइयां होण। ते अज दे ना समागमां दे विच पावन स्थान दे हजूरी रागी जथे प्रचारक अते श्री दरबार साहब तो हजूरी रागी जथा भाई नरेंद्र सिंह जी आप संगतां नूं गुरबाणी कीर्तन दे राही निहाल करनगे। जुगह जुग अटल चवर छत्र तख्तां दे मालक वालिए कुल आलम शब्दा अवतार सर्ब सांझी वालता दे रहबर गरीब नवाज सतगुरु साहिब धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जियां दी पावन पवित्र निगी गोद अंदर सुभाए मान होए बैठे गुरमुख प्यारे सत संगी जनो गुरु फतेह प्रवान करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जिन्हां दे बाबत भाई गुरदास जी कथन करदे हन पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर भारी अर्जन काया पलटकै मूरत हर गोबिंद सवारी चली पीढ़ी सोडियां रूप दिखावन वारो वारी दल भंजन गुर सूरमा बड जोधा बहु पार उपकारी। बाबा बुढ़ा साहिब जी दे बचना दे नाल माता गंगा जी दे ग्रह विखे श्री गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी दे सपुत्र साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी दी आमद अमृतसर साहिब जी दे लागे जिथे अज छिरटा साहिब गुरद्वारा साहिब बनिया होया है उस अस्थान ते हुई है। सतगुरु सच्चे पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी का जदों असी जीवन इतिहास वाचते हाँ तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी का जीवन इतिहास भाई गुरदास जी के बचना के उत्ते हूबहू तुलदा है जुड़ता है मिलता है क्योंकि अजोके समय के अंदर जिस समय के अंदर अज असी जिंदगी बतीत कर रहे हाँ समा गुजार रहे हाँ तो मैं समझदा हाँ कि सिख समाज नूं गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी दे उन्हां बचना दे उत्ते उन्हां सिद्धांतां दे उत्ते बड़ी दृढ़ता दे नाल पहरा देण दी जरूरत है। इतिहास असी पढ़दे हाँ पर इतिहास पढ़ के इतिहास सिरजना भी कौमां दा विशा होया करदा है। समा बहुत थोड़ा है इस करके मैं इतिहास की गल ना करके वर्तमान की गल नूं तरजीह देंगा कि अज वर्तमान दे विच देखो समाज दे उत्ते एक बहुत ज्यादा संघर्ष का जिहड़ा समा है वह बनिया होया है।
अज सिख कौम भारत दे विच जदों असीं गल करदे हां ते इक संघर्षमई जीवन दे विच है। जदों असीं सतगुर दे दर ते बाहर नतमस्तक होके थले उतरदे आ ना ते साडे सज्जे पासे मीरी ते पीरी ते दो निशान साहिब हन, एक धर्म दा है एक राजनीति दा है। जदों धर्म दे उत्ते राजनीति हावी हो जाए उदों इस तरह दे हालात पैदा हो जांदे हन। उदों इहो जिहा समय समाज दे सन्मुख खड़े हो जांदे हन। सो अज सानू की करन दी लोड़ है? अज सिख समाज जो बहुत प्रकार दे नाल असी देखदे हां भी वंडिया होया है, क्योंकि मैं भी समाज दे विच विचरदा हां, तुसी सारे समाज दा हिस्सा हो। अज साडे कोल ना ते ओ धर्म दी मजबूती है जिहड़ी सानू सतगुरां ने बख्शिश कीती है, ना को बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हम को बाने आई, ते ना ही साडे कोल राजनीतिक मजबूती है। खिमा करियो, अक्सर साडी कौम जदों राजनीति दी गल आउंदी है ना ते ओ सोचदे हन भी राजनीति साडे साडा विशा नहीं है। पर गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने मीरी ते पीरी दीआं दो तलवारां बद्धियां। भाई नत्था ते अब्दुल्ला ने वार पढ़ी, भाई नत्था अब्दुल्ला कहण लगे दो तलवारी बद्धियां, एक मीरी दी एक पीर दी, एक अजमत दी एक राज दी। ध्यान दियो, एक अजमत दी एक राज दी, एक राखी करे वजीर दी, हुम्मस बाहा कोट गढ़ दरवाजा बलख बखीर दी, पग तेरी की जहांगीर दी। जहांगीर उस समय प्रतीक सी दिल्ली दे तख्त दा, ते गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी ने श्री अकाल तख्त साहिब दा सिद्धांत सानू बख्शिया है। श्री अकाल तख्त सानू बख्शिया है जो सदीव कायम रहने वाला तख्त है। इनियां को बेनतियां करदा होया मैं खिमा दा जाचक हां। आप समूह साध संगत जी दा बहुत बहुत धन्नवाद। साडे पतवंते सज्जन इलाके दीआं मानयोग हस्तियां भी आप जी दे विच हाजरी भर रहीआं हन। सारिआं नूं जीओ आया सतगुरु कृपालता करन, चढ़दी कला दा जीवन बख्शिश करन। बुलाओ फतेह बख्शो आसीस, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सत्कारयोग भाई नरिंदर सिंह जी हजूरी रागी जथा श्री दरबार साहब श्री अमृतसर। भाई नरिंदर सिंह जी आप संगतां नूं गुरबाणी शब्द कीर्तन राही निहाल करनगे। वाहे गुरु साहिब जी, दंडौत बंदन अनक बार, सर्व कला समरथ सर्व कला समरथ, डोलन तेरा खो प्रभु, डोलन तेरा खो प्रभु, नानक दे कर हथ, तन तन हमारे भाग, घर आया फिर मेरा फिर मेरा, सोहे बंक द्वार सगला बन हटा, दल पंजन गुर सूरमा, बड जोदा बह पर उपकारी, बड जोदा बह पर उपकारी, बड जोदा बह पर उपकारी,
उले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुर वड भागी पाया, ऐसा गुर वड भागी पाया, वड भागी बलहारी गुर अपने द्योहाड़ी सतवार जिन मानस से देवत की ये करत ना लागी वार, करत ना लागी वार। जे सौ चंदा युग वै चंदा युग वै सूरज चढ़े हजार इत चानण होंदया गुर बिन घोर अंधार, गुर बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ न आवै, गुर बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावे, गुरु बिन मुक्त न पावे। आनंद गुणी निदान गुरु गरीब ने गरीबनवाज, गुरु गरीबनवाज। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। आप मुकत मोहे आप मुकत मोहे तारे, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल 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 जाइए। अंत नहीं कछ पार, अंत नहीं कछ पार, लाख 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 कई को लाख लाख कई को रे को है ऐसो विचार, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। आप मुकत मोहे मुकत मोहे तारे, ऐसे गुर
विषम 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 ही पई है। विषम 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 ही पई है। लाल गुलाल रंगार लाल गुलाल रंगार कहो नानक संतन रस आई है। कहो नानक 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 कहो नानक संतन रस आई है। रस आई है कहो नानक संतन रस आई है। ज्यों चाख गूंगा मुस्कार ऐसे गुर को बल बल जाइए। ऐसे गुर को बल बल जाइए। आप मुकत मोहे तार आप मुकत मोहे तार ऐसे गुर को बल बल जाइए। ऐसे गुर को बल 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 जाइए। बल बल जाइए ऐसे गुर को बल बल जाइए। ऐसे ऐसे गुर को बल बल जाइए। ऐसे गुर को ऐसे गुर को ऐसे गुर को बल बल जाइए। बल बल जाइए। आप लिए लड़ लाए दर दर वेश से इन तन जने दी माओ आए सफल से। इन तन जने दी माओ आए सफल से। आप लिए लड़ लाए दर दर वेश से। आप लिए लड़ लाए दर दर वेश से। इन तन जने दी माओ आए सफल से। इन तन जने दी माओ आए सफल से। दिल हो मोहब्बत जिन से ही सच्चे आ। दिल हो मोहब्बत जिन से ही सच्चे आ। जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चे आ। जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चे आ। आप लिए लड़ लाए दर दर वेश से। आप लिए लड़ लाए दर दर वेश से। तिन
धन जनेंदी माओ आए सफल से किन धन जनेंदी माओ आए सफल से रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के बिसरिया जिन नाम ते होए पाथिए बिसरिया जिन नाम ते भोए पाथिए आप लिए लड़ लाए दर दर वेश से आप लिए लड़ लाए दर दर वेश से तिन तन जने दी माओ आए सफल से तिन तन जने बेअंत तू जिन्ना पछाता सच चुम्मा पैर मू जिन्ना पछाता सच चुम्मा पैर मू आप लिए लड़ लाए दर दर वेश से आप लिए लड़ लाए दर दर वेश से तिन तन जने दी माओ आए सफल से तिन तन जने दी माओ आए सफल से आप लिए लड़ लाए दर दर वेश से आप लिए लड़ लाए दर दर वेश से तिन तन जने दी माओ आए सफल से तिन तन जने दी माओ आए सफल से तेरी पन है खुदाए तू बख्शंदगी तू बख्शंदगी शेख फरीद खैर
दीजै बंदगी खैर दीजै बंदगी आप लिए लड़ लाए नि सा ग म प द म प ग रे नि सा द प म प नि सा प म ग म प द प म ग म द नि सा नि द प म प ग म द प म प ग म ग रे सा रे नि सा ग म प द म प ग रे नि सा द प म प नि सा रे नि सा आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से तिन तन जने दी माओ आए सफल से तेरी पनह खुदाए तू बख्शंदगी तेरी पनह खुदाए तू बख्शंदगी शेख फरीद खैर दीजे बंदगी खैर दीजे बंदगी आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से तिन तन जने दी माओ आए सफल से तिन तन जने दी आए सफल से आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से तिन तन जने दी माओ आए सफल से तिन तन जने दी माओ आए सफल से आए सफल से आए सफल से वाहे गुरु करन कारण प्रभारा बाबुल मेरा बड समरथा करन कारण प्रभारा करन कारण प्रभारा बाबुल मेरा बड़ समरथा करण कारण प्रभारा करण कारण प्रभारा जिस सिमरत दुख कोई न लागे जिस सिमरत दुख कोई न लागे पौ जल पार उतारा पौ जल पार उतारा बाबुल मेरा बड़ समरथा करण कारण प्रभारा करण बाबुल मेरा
ਵੱਡ ਸਮਰਥਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਹਾਰਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਹਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਹਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਬਾਬਲ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਸਮਰਥਾ ਵੱਡ ਸਮਰਥਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਹਾਰਾ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਗੈ ਪਉ ਜਲ ਪਾਰੀ ਉਤਾਰਾ ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਟੇਕ 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 ਸਤਿਗੁਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸ ਕੈ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸ ਕੈ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ ਹਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਹਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਹਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਹਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਘਰ ਤਿਸ ਕੈ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ ਬਾਬਲ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਸਮਰਥਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਹਾਰਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਹਾਰਾ ਬਾਬਲ ਮੇਰਾ ਸਮਰਥਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਹਾਰਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਹਾਰਾ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦ ਭਗਤਨ ਕਾ ਰਾਖਾ ਉਸਤਤ ਕਰ ਕਰ ਜੀਵਾਂ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦ ਭਗਤਨ ਕਾ ਰਾਖਾ ਉਸਤਤ ਕਰ ਕਰ ਜੀਵਾਂ ਉਸਤਤ ਕਰ ਕਰ ਜੀਵਾਂ ਉਸਤਤ ਕਰ ਕਰ ਜੀਵਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਮੀਠਾ ਅਨ ਦਿਨ ਮਨ ਤਨ ਪੀਵਾਂ 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 ਆਦਿ ਜੁਗਾਦ ਭਗਤਨ ਕਾ ਰਾਖਾ ਉਸਤਤ ਕਰ ਕਰ ਜੀਵਾਂ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦ ਭਗਤਨ ਕਾ ਰਾਖਾ ਉਸਤਤ ਕਰ ਕਰ ਜੀਵਾਂ
नानक नाम महारस मीठा अन दिन मन तन पीवा अन दिन मन तन पीवा अन दिन मन तन पीवा बाबुल मेरा बड समर जिस सिमरत दुख कोई न लागे जिस सिमरत दुख कोई न लागे ओ जल पार उतारा ओ जल पार उतारा बाबुल मेरा बड़ समर सो अज गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी के पावन पवित्र स्थान से सिख पंथ की महान शख्सियत दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के बड़े ही सत्कारयोग मुख सेवादार प्रधान सरदार मनजिंदर सिंह जी सिरसा अपनी समुची टीम के नाल दिल्ली कमेटी के नाल पावन पवित्र स्थान से धन गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी के प्रकाश पुरब से गुरु साहब जी का शुकराना करने के लिए पहुँचे हैं। सो सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी का पावन स्थान पर पहुँचण से श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर जथेदार सरदार हरभजन सिंह जी मसाणा तिना वालों बहुत बहुत धन्यवाद तिना वालों जी आया आख्या जाता है। साहब मनजिंदर सिंह जी सिरसा वो विशेष तौर पर इतने पहुँचे ने असी अपनी सारी टीम वालों श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों उन्हों का जी आया कहने मैं तो ये समझना कि अज अगर कोई सिखा की आवाज़ सिखा का कोई नेता है तो वह सरदार मनजिंदर सिंह जी सिरसा जी ने तो सानू बड़ा माण है कि साढ़े वड्डे वीर ने इत्थे पहुँचन ते उन्होंने विशेष तौर पर सानू फोन किया कि इत्थे राम सिंह जी राणा जिन्हां नू ऐतवार नू इत्थे सारी सिख कम्यूनिटी जथेबंदियों वालों असी सम्मानित किया सी ते अगले दिन ही जो सरकार नू इह गल चुभी तो उन्होंने होटल के अगे पत्थर ला के उहदा राह रोक दिता गया जो धक्का उन्होंने नाल होया उहदे लई हाँ दा नारा मारन वास्ते साडे मनजिंदर सिंह जी सिरसा विशेष तौर पर दिल्ली तो इत्थे पहुँचे ने असी तह दिल तो धन्यवाद करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये सन सरदार कवल जी सिंह अजराणा जी। सो इन्हां तो बाद मैं बेनती करांगा ज्ञानी तेजपाल सिंह जी वो आके दो कु मिनट अपने विचार सांझे करनगे जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जुगो जुग अटल चवर छत्र अते तख्तां दे मालक वालीए कुल आलम सर्ब सांझी वालता दे रहबर गरीब नवाज सतगुरु साहिब धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र ते निघी गोद अंदर सुभाए मान होए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों गुरु फतेह प्रवान करो जी। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। अज दे ए विशेष समागम साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र आगमन प्रकाश पुरब दीआं खुशियां नूं मुख रखदे होए मनाए जा रहे हन। उदे ही नाल अज सिख कौम दे महान जरनैल बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का शहीदी पुरब भी है। सो ये दोवें ही पुरब अपने आप दे विच सिख कौम दे विच महान एक अपना थां रखते हैं क्योंकि जिथे एक पासे मीरी अते पीरी दे मालक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी की आमद हो रही है उत्थे दूजे पासे सिखी सिद्धांत नूं कमाउंदे होए मीरी ते पीरी दे सिद्धांत नूं कमाण वाले
सिख कौम दे पहले जरनैल बाबा बंदा सिंह जी बहादुर की शहादत का दिहाड़ा है। सो सरदार मनजिंदर सिंह जी सिरसा किसी परिचय का मुहताज नहीं हैं, तो सानू बड़ा माण महसूस हुंदा है जदों इहो जे कौमी परवाने साड़ी कौम का दर्द लैके चलते हैं। चाहे यूपी दे विच जुल्म होवे, चाहे बंगाल दे विच जुल्म होवे, चाहे महाराष्ट्र दे विच जुल्म होवे, भारत के किसी भी कोने दे विच अगर किसी सिख दे उत्ते कोई धक्का कोई जुल्म हुंदा है ते सब तो पहला जिहड़ा चेहरा सानू नज़र आउंदा है उत्थे हा दा नारा मारन वाला उह सरदार मनजिंदर सिंह जी सिरसा हन। सो मैं अपनी गल नूं बहुता लम्मा ना करदा होया एक बारी फिर सरदार मनजिंदर सिंह जी सिरसा उहनां दी समुची टीम नूं जीओ आया कहिंदा धन्नवाद है कि इस पावन स्थान ते अज आए आप संगतां दे रूबरू होण वास्ते। बोले सो निहाल बोले सो निहाल मेरे वड्डे वीर सरदार सरबजीत सिंह जी विरक मैं उन्होंने बेनती करांगा वो आके गुरु घर की बख्शिश रुपाओ लैण की कृपालता करन जी। इन्हां तो बाद सरदार गुरमीत सिंह जी भाटिया जी उन्होंने बेनती करांगे। बोले सो निहाल इन्हां तो बाद सरदार सतिंदरपाल सिंह जी बोले सो निहाल इन्हां तो बाद सरदार रजिंदर सिंह जी सरदार चरणजीत सिंह जी उन्होंने भी बेनती हो भी आके सरपाओ लैण की कृपालता करन। बोले सो निहाल सरदार चरणजीत सिंह जी नूं बेनती है। बोले सो निहाल सरदार हरपाल सिंह जी नूं बेनती है कि आ के सरपाओ लैण की कृपालता करन। इन्हां तों बाद सरदार जसप्रीत सिंह जी नूं बेनती है वह आ के सरपाओ लैण की कृपालता करन जी। बोले सो निहाल सरदार रमनदीप सिंह जी नूं बेनती है वह आ के सरपाओ लैण की कृपालता करन जी। बोले सो निहाल बोले सो निहाल सरदार हरजीत सिंह जी नूं बेनती है वह आ के सरपाओ लैण की कृपालता करन जी। इन्हां तों बाद सरदार रविंदर सिंह जी वीर जी नूं बेनती हो भी आ के सरपाओ लैण की कृपालता करन जी। बोले सो निहाल सरदार रविंदर सिंह जी नूं बेनती है। बोले सो निहाल सरदार गुरमीत सिंह जी नूं बेनती है वह भी आके सरपाओ लैण की कृपालता करन जी। टाइम टीवी दे डायरैक्टर बोले सो निहाल सरदार अमृतपाल सिंह जी बोले सो निहाल अनुराधा भार्गव जी नूं बेनती वह भी आके सरपाओ लैण की कृपालता करन जी। बोले सो निहाल सो दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी समूह दिल्ली गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबरां दा सरदार सरबजीत सिंह विरक जी सारियां दा बहुत बहुत धन्यवाद। सभना दे लई अरदास बेनती सतगुरु सच्चे पातशाह समूह प्रबंधकां उत्ते मेहर भरियात रखण अपने दर घर की सेवावां इस तरह अपने सेवादारां पासों करवा लैण। सतगुरु जी सभना नूं चढ़दी कला दी दात बख्शण। राम कली महला तीजा नंद को अंका सतगुर प्रसाद अनपिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर का पाया सहज सिद्धि मन बजिया वादानिया राग रतन परिवार परिया शब्द गावनिया शब्दों का नामो हरी केरा मन जनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरा तू सदा रो हर नाने हर नाल रो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना सब नाम गला समरथ स्वामी सुखी मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रो हर नाले
साजे साहिबा क्या नहीं कर तेरे, करता तेरे सब कुछ है जिस दे सो पाए, सदा सिफ सलाह तेरी नाम मन साह, नाम जिनके मन बसिया बजे शब्द कनेर, कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरे, सच्चा नाम मेरा आधार, सच नाम आधार मेरा दिन भुखा सब दवाइया, प्रशांत सुख मन आई बसिया जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान किता गुर बेटो जिस दिया ए वडियाइया, कह नानक सुनो सब तो शब्द करो प्यारो, सता नाम मेरा आधारो, वाजे पंचमत कितार सपागे तार सपागे शब्द वाजे कलाजित कर तारिया, पंच दूत बुद्वास की ते काल कंटक मारिया, और करम ताया तुर जिन को से नाम हर के लागे, कह नानक कस दो आदत कर अनहद बाजी, अनंत सुनो वट पा दियो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल सूरे, दुख रोग संताप परे सुनी सच्ची बाणी, संत साधन पे सरसी पूरे गुर की जान, सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भरपूरे, बिन वंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद पूरे, बिन वंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद पूरे, श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तत महाते, दिवस रात दुदाई दाया खेले सगल जगत, चंगियाया बुरियाया वाचे तर बहादुर, करमिया पो अपनी के नेड़े के दूर, जिनी नाम ते आया देव शक्त काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना, जिनी नाम ते आया देव शक्त काल, नानक ते मुख उजले वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुमरे कृपा मैं सुख कोई न जाने, तुमरा अंत उचे ते ऊचा, सगल समग्री तुमरे सूतर, तुम ते हो ए सो आज्ञाकारी, तुमरे गत मित तुम ही, नानक दास सदा कुर्बानी, तुमरे गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। बोलना जी वाहिगुरु, अरदास एक ओंकार, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं, प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई ते आए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाए, अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरै घर नौ निध आवे ताए, सब थाई होए सहाए, दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहेब सब थाई होए सहाए, दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी, पंजां प्यारियां चौहान साहिब जादियां, चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां, जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया, देग चलाई तेग वाही देग के अंडिठ कीता, तिना प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी,
जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चिराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सवासां संग निभाही तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी। प्रथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चिते आवे चिते आवन का सदका सर्व सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रछिया रियाए त देख तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहेब जी सहाए खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर जी दे इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुग हो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत दा राखाप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाणा साहिब होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार सेवा संभालदा दान खालसा जी नूं बख्शो हे निमाणियां दे मान नितानियां दे तान नियोटियां दी ओट सच्चे पिता वाहिगुरु दीन दयाल सतगुरु जीओ धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज मीरी पीरी दे मालक छेवें पातशाह सतगुरु आप जी दे प्रकाश आगमन पुरब दियां खुशियां नूं मुख रखदियां आप जी दे पावन चरण छोह प्रापत स्थान गुरद्वारा साहिब पातशाही छेवीं विखे धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे सजे हुए दरबार अंदर आप जी दी साजी नवाजी गुरु की साध संगत दा जोड़ मेल होया गुरु कियां संगतां दूरों नेड़ियों चल के आईयां गरीब नवाज पातशाह आप जी दे दरों करों रहमतां बख्शिशां असीसां नूं प्राप्त करन दे लई समूह संगत ने आप जी दे चरणा कमलां दा ओट ते आसरा तकिया गरीब नवाज पातशाह समूह साध संगत नगर दिल्ली समूह साध संगत नगर कुरुक्षेत्र आस पास इलाका देशां विदेशां दी समूह संगत ने उपराला कीता आप जी दे प्रकाश आगमन पुरब दियां खुशियां नूं मनाउंदियां दरकर दे प्रीतवान सेवक परिवार समूह साध संगत नगर दिल्ली सरदार अमर सिंह जी दिल्ली तिन्हां दे वल्लों रब्बी बाणी तुरकी बाणी इलाही बाणी दे श्री अखंड पाठ साहिब करवाए हन परसों रोज़ तो श्री अखंड पाठ साहिब दियां आरंभतावां होईयां गरीब नवाज पातशाह आप जी दी रब्बी बाणी दे जाप करदियां संगत वल्लों सरवण करदियां हाजरी भरदियां होईयां भुल्लां अणजाण बच्चे जाण के खिमा करना अगे तो समत बख्शनी दरकर दी प्रीतवान साध संगत दी अरदास समूह गुरसिख प्यारियां दियां अरदासां बेनतियां प्रवान करनियां दीन दयाल सतगुरु आप जानी जान हो समूह गुरसिख गुरु कियां संगतां हिरदे दे विच जो भी अरदास भावना शुभ रूप दे विच लै के आईयां हन सरबत संगतां दे कारज रास करने दरकर दे प्रीतवान सेवक गुरसिख प्यारे सरदार लखविंदर सिंह जी बाजवा नगर मुस्तापुर समूह परिवार की चढ़दी कला अते जो भी शुभ भावनावां पूर्ण करनियां अंग संग सहाई रह के दरकर दियां सेवावां लैंदे रहना मेरा करनिया सरबत संगतां दियां अरदासां बेनतियां प्रवान करके नदरी नदर निहाल करना गरीब नवाज सतगुर जीओ परसों रोज़ तो आप जी दे पावन अस्थान विखे रब्बी बाणी तुरकी बाणी इलाही बाणी दे श्री खंड जाप प्रारंभ होए सतगुर जीओ रब्बी बाणी दा प्रवाह चलिया गुरु कियां संगतां जो भी आप जी दे दर ते हाजर होईयां पावन बाणी दा प्रकाश समूह संगतां दे हिरदे विच करना हर प्रकार दे नाल सहायता करनी समूह संगतां दी हाजरी दर ते प्रवान करनी तिलफुल भेटावां प्रवान करनियां कदम लेखे लावणे अंग संग सहाई हो के मेहरां करनियां सुंदर पोशाके आप जी नूं अर्पण कीते हन अंगीकार करने
गुरसिख प्यारियां दे लोक पर लोक पढ़दे टकने पत रखनी अंग संग सहाई होना दितियां दातां विचों पंचामृत कड़ा प्रसाद दी देग हाजर कीती आप जी दे दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरते जो भी छके आप जी दा नाम जपे रहम तां करो गरीब नवाज सतगुरु जाने अनजाने होइयां भुल्लां दी खिमा बख्शिश करनी करो किरपालता पावन दरगाह तों जुगो जोगा टल हुक्म बख्श के किरतार्थ करो आप जी दे हुक्म उपदेश नूं समझ सकीए कमा सकीए ऐसी अथाह बल अते बुद्धि बख्शो सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चेते आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा आग्या भई अकाल की तबै चलायो सब सिखण को हुकम है गुरु मान्यो गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की जो प्रभ को मिल बोच है खोज शब्द में राज करेगा खालसा आकी रहना ख्वार होए सब मिलेंगे बचे शरण जो ख्वार होए सब मिलेंगे बचे शरण जो होए बोले सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख होवे सिफत खसम दी तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दे शाह जिस पास बैठया सोहिए सबना दा वेसाह सतनाम वाहे गुरु साहिब जी सोरठ महला पंजवा गुरपुरै कृपा तारी प्रभ पूरे लोच हमारे कर इशनान गृह आए आनंद मंगल सुख पाए गुरपुरै कृपा तारी
प्रभ पूरे लोच हमारे कर इशनान गृह आए आनंद मंगल सुख पाए संतो राम नाम निस्तरिय उठत बैठत हर हर त्याईय अन दिन सो कृत करिय रहाओ संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को वड भागी पाए कोट जन्म के किल बिख नासे हर चरणी चित लाए उस्तत करो सदा प्रभ अपने जिन पूरी कल राखी जी जानता सब पए पवित्रा सत गुर की सच साखी बिगन विनाशन सब दुख नासन सत गुर नाम दृढ़ाया खोए पाप पए सब पावन जन नानक सुख घर आया बिघन विनाशन सब दुख नाशन सत गुर नाम दृढ़ाया खोए पाप पए सब पावन जन नानक सुख घर आया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह पंज प्याले पंज पीर छटम पीर बैठा गुरु भारी अर्जन काया पलट कै मूरत हर गोबिंद सवारी मीरी पीरी दे मालक धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी का अज प्रकाश दिहाड़ा जिथे पूरे विश्व भर च मनाया जा रहा है कुरुक्षेत्र की पावन स्थान गुरद्वारा पातशाही छेवीं विखे संगत अज नमस्तक होने वास्ते पहुंचिया हैं गुरद्वारा साहब आप जी देख रहे हो संगत किवें गुरु साहब के दर्शन करने वास्ते पंगत लगिया हैं सो इतें दे आपां हैड ग्रंथी भाई गुरदास जी जो कि इतने की हैड ग्रंथी की सेवा निभा रहे हैं उन्होंने गल करांगे अज के दिन बारे गुरु साहब के पावन चरण मुबारक चरण पे हैं इस स्थान पर आप जी की कहना चाहो सब तो पहला समूह गुरु की साध संगत सत्कार सहित फतेह प्रवान करो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह
ये जो पावन स्थान है गुरद्वारा साहब पातशाही छेवीं दे नाम नाल ये देशों ते विदेशों में प्रसिद्ध है। ये वो पावन स्थान है जिथे मीरी पीरी के मालक छेवें पातशाह धन श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने दो बार अपनी हयाती विच चरण पाए तो इस एक ही स्थान ते दोवें बार डेरा लाया जिस करके इस स्थान की महिमा सतगुरां दे पावन बाणी दे महावाक जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे दे मुताबक इत्थे सतगुरां दे चरण छोह प्राप्त होण दे नाल स्थान भागां वाला बनिया। इस स्थान की जहरा महिमा बहुत वड्डी है। अज मीरी पीरी दे मालक छेवें पातशाह सतगुरां दे जो प्रकाश आगमन पुरब दीआं खुशियां समूह संगत वालों रल मिल के इस स्थान ते मनाईआं जा रहीआं ने। ये प्रकाश आगमन पुरब दे समय बड़े पुराने समय तो ही बड़ा वड्डा जोड़ मेल इत्थे हुंदा है। असल विच जो असी सुनिया है संगतां दे कोलों कि जदों 1947 दे विच देश दी वंड होई ते पछमी पंजाब जो हुण मौजूदा समय पाकिस्तान विच है उत्थों बहुत वड्डी गिनती विच सिख परिवारां दा पलायन होया। सिख परिवार उत्थों चल के जदों इस पूर्वी पंजाब दे विच आए तां कई जगह शहरां विच कैंप लगे। इस कुरुक्षेत्र शहर दे विच वी बड़ा वड्डा कैंप लगा सी जिहदे विच बहुत वड्डी गिनती विच सिख परिवारां दा ठहराव होया। एक बार अपनी जन्म भूमि छड्डन करके अपने कारोबार छड्डन करके जिवें सुभाविक तौर ते एक इनसान दा मन डोल जांदा है तां मन डोलिया होया सी ते पता लगा कि इह कुरुक्षेत्र दी धरती वी इक ऐसी धरती है जिथे कई सतगुरां ने चरण पाए हन ते इत्थे मीरी पीरी दे मालक छेवें पातशाह दा वी अस्थान है। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਸੀ ਇੱਕ ਟਿੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਈ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਸਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਬਹੁਲ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਜੋੜ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਜੋੜ ਮੇਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋੜ ਮੇਲ ਦੀ ਰਹੋ ਰੀਤ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁਰਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੋੜ ਮੇਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ ਹਨ ਕਿ ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਯੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਜਿਆ ਨਵਾਜਿਆ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਗਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵੱਸਦੀ ਏ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਬਣੇ ਸਬੱਬ ਬਣੇ ਆਪ ਇਸ ਨਗਰ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਓ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈ ਦਾਸ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਧਾਈਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਬਕਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਗਿਆਨੀ ਤੇਜਪਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਔਰ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹਨ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਖੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ
साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी के पावन पवित्र आगमन प्रकाश पुरब दियां बहुत बहुत मुबारक बधाइयां। मैं समझदा हाँ भी साढ़े सारे वास्ते बड़े माण वाली गल है। कुरुक्षेत्रा हरियाणे दे विच एक ऐसा नगर है जिथे सतगुरु साहिबान सच्चे पातशाह जी के पावन पवित्र आगमन होए, उन्होंने पवित्र चरण पए हैं ते सतगुरां ने इत्थे आ के बख्शिशां कीतियां, इत्थों दियां संगतां नूं इलाके नूं निवाजिया ते अज उन्हां दी बदौलत है भी जिथे त्रेता युग दे विच इत्थे जो द्वापर दे विच महाभारत दा बहुत वड्डा युद्ध होया सी ते इस धरती नूं एक पापी धरती दे नाम नाल जाणिया जांदा सी। पर उस तो बाद जदों गुरु साहिब जी दा इत्थे आगमन हुंदा है, गुरु नानक साहब जी सब तो पहला इत्थे आए तो गुरु साहब जी ने इत्थे आ के पावन पवित्र उपदेश किया, उन्हां दी पावन याद अंदर इत्थे गुरद्वारा साहब बने हुए ने। उस तो बाद गुरु अमरदास पातशाह, गुरु रामदास पातशाह जी, गुरु हरगोबिंद साहब, गुरु हर राय साहब, गुरु तेग बहादुर साहब, गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी का इत्थे आगमन होया तो इत्थों दीआं संगतां उन्हां दे दर्शन दीदार करके वडभागियां होईआं। तो उस ही तरह तुसीं अज देख रहे हो भी इत्थे गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी का जो पावन पवित्र आगमन पुरब हर साल की तरह इलाका निवासी साध संगत दिल्ली तो, साध संगत यूपी तो, पंजाब तो, देशों विदेशों तो संगत पहुँच के उचेचे तौर पर इत्थे मनाउंदियां ने। जिस तरह आप जी ने साडे सत्कार योग ज्ञानी गुरदास सिंह जी ने दस्या भी इस पावन पवित्र स्थान की जिहड़ी महानता है वह अपने आप दे विच एक बहुत वड्डी है, बहुत महान है। तो जो भी श्रद्धालु श्रद्धा भावना दे नाल इत्थे आ के नतमस्तक हुंदा है ते गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी उन्हां दीआं सारीआं मनोकामनावां पूरीआं करदे ने। सो एक बार फिर मैं इत्थे आईआं होईआं समूह साध संगत जी नूं, देशों विदेशों में वसदियां संगतां नूं इस पावन दिहाड़े दीआं बहुत बहुत वधाइयां देंदा हाँ, मुबारकबाद देंदा हाँ। सतगुरु कृपा करन, खालसा कौम नूं चढ़दी कला दी दात बख्शिश करन, मीरी ते पीरी दी दात बख्शिश करदे होए हर मैदान फतेह बख्शिश करन। तो जो साडा बड़े लंबे समय तो किसान अंदोलन चल रहा है, सतगुरु उहदे विच वी सिख कौम नूं समुचे किसान वर्ग नूं कामयाबियां बख्शिश करन, इह अरदासां इत्थे सारियां संगतां कर रहीआं ने। सो इन्नीआं बेनतीआं करदा होइआ खिमां दा जाचक हाँ, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी। कथावाचक ज्ञानी तेजपाल जी साढ़े नाल, श्रोमणी अकाली दल दे जुझारू नेता जिन्हां ने इस कुरुक्षेत्र ते कि बाहर भी बड़ी अच्छी प्रख्याति प्राप्त की है, लोगों के दुख सुख विच हर समय ये नाल रहिंदे हन, इन्हां दा जज्बा है लोगों की सेवा करना। तो पार्टी ने भी इन्हां ते बड़ा मतलब कि जड़ा है विश्वास करदिआं इन्हां नूं PAC कमेटी का मैंबर बनाया। सो अजराणा जी नाल आपां गल करांगे भी अज दे पावन दिन ते संगतां नूं की कहना चाहोगे। सब तो पहला गुरु हरगोबिंद पातशाह जी के प्रकाश पुरब दियां सारी देशों विदेशों च बैठिया संगतां नूं लख लख वधाई। गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने सानू मीरी पीरी का सिद्धांत दिता ते अकाल तख्त साहब की सरजना की, धर्म के नाल सानू राजनीति के खेत्र के भी अपना ना ते उच्चा करन दा जिहड़ा संदेश है वो गुरु साहब जी ने सानू दिता। दो मीरी ते पीरी के जिहड़े निशान आप सामने देख सकते हो, ये धर्म ते राजनीति दे दो निशान ने। धर्म दा निशान उच्चा है ते राजनीति दा नीवा। गुरु साहब जी ने आख्या भी धर्म दे विच रह के राजनीति तुसीं करनी है ते अपने धर्म दा नां सारी दुनिया दे विच तुसीं वधाउणा है, सेवा करनी है, सिमरन करना है ते जिथे कोई लोड़ पैंदी है ते उत्थे जुल्म दा नाश भी करना है। ये सिद्धांत सानू हरगोबिंद पातशाह महाराज जी ने दिते ने, उन्हां सिद्धांतों के उत्ते चलते हुए असी अज कौम ते देश की सेवा कर रहे हैं। गुरु साहब जी दे अगे अरदास बेनती करते हैं कि अपनी मेहर बनाए रखन ते इस तरह ही साढ़े कोलों कौम दीआं वां सेवावां लेंदे रहन। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वर्टैक्स ओवरसीज वीजा एक्सपर्ट के ओनर सरदार सतिंदर पाल सिंह जी हैं, असी गल करांगे भी की फैसिलिटियां वो दे रहे हैं अपने वीजा सेंटर ते किस तरह वो अगे बच्चों अगे प्रेरित कर रहे हैं बाहर जाण वास्ते या कनेडा आस्ट्रेलिया UK का वीजा किस तरह वो लवा रहे हैं। सतिंद्रपाल जी वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं सतिंद्रपाल सिंह अपनी टीम वर्टैक्स ओवरसीज सर्विसिज वालों सारों वधाई दिना जी। मीरी पीरी के मालक सच्चे पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी का अज प्रकाश पुरब है जी, सारों लख लख वधाई होए जी। असी अपनी टीम नाल इत्थे सेवा कर रहे हैं जी, जो कि हर साल असी करने हैं जी। इत्थे इतिहासिक स्थान है छवी पातशाह जी का जी, गर्मी बहुत है जी, असी कुल्फी का लंगर लाया हुआ है जी। इतने की फैसिलिटी दे रहे हो अपने वीजा सेंटर? मैं असी अपने वीजा सेंटर से बच्चों आईलेट्स भी कराने, PT भी कराने, स्टडी वीज़ा भी लवाने जी। तो
ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਮੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜਸ ਵੱਲੋਂ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਈਲੈਟ ਸੈਂਟਰ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਰਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਔਨਲਾਈਨ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਵੀ ਰਨ ਕਰਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਵਾਟਕ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਵਿਖੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਮਠਾਰੂ ਜੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬਧਾਈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਰਟੈਕਸ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ, ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਭਾਅ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਭਾਅ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਉਹ ਸਥਾਨ ਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਗ ਦੋ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਚਰਨ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਉਦੋਂ ਕੋੜੀਆ ਕੋਟ ਦੌੜ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਉਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮਨਾਖਣ ਅੱਖਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਆ, ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਆ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਘ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਬੜੀ ਚਤਰਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਹੋਏ। 3 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੇ, ਇਹ ਮਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਦਰ ਅੰਦਰ ਚਤਰਕਾਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜੋ ਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਅਤੇ ਪੰਥੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਆ, ਪੰਥੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਜੋ ਦਹਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।